ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण पर दिल्ली मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर बलबीर, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के डॉक्टर्स से बातचीत की और उन्होंने कोविड से संबंधित स्थिति पर चर्चा की। आपसे जानना चाहेंगे कि इस चर्चा में प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा। ये जो चर्चा हुई, प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि पहले तो उन्होंने डॉक्टर्स का मोराल बढ़ाया। डॉक्टर्स कई महीनों से बहुत उलझे हुए इस सिचुएशन में, काफी डिप्रेसिंग हो जाता है कई बार, दिन रात काम करना और फिर पेशेंट्स को देखना जो काफी सिक होते हैं, जो हॉस्पिटल में होते हैं। तो पहले तो उन्होंने उनका मोराल बढ़ाया, फिर उन्होंने डिस्कशन किया दो मेजर पॉइंट्स पे, जो होम आइसोलेशन में पेशेंट्स, तो उनको कैसे केयर किया जाए, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उनकी तारीफ की कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काफी लोगों का सहायता मिली है। एक डिस्कशन का पॉइंट ये था। दूसरा डिस्कशन का पॉइंट था कि ऑक्सीजन को रैशनलाइज करना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मरीजों को भी दे सकें, और घर पे भी ऑक्सीजन कैसे यूज करनी चाहिए इसके प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, जो बहुत करेक्ट बात है कि ऑक्सीजन वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है कोरोना पेशेंट को ट्रीट करने के, तो वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अब कईयों को जरूरत नहीं होती, वो घर पे लगा के बैठते हैं, वो बिल्कुल गलत है। तीसरी पॉइंट था डिस्कशन का कि माइक्रो माइकोसिस कितना खतरनाक है और कैसे इसको बचाया जाए। ये तीन मेजर पॉइंट्स थे डिस्कशन के। और कोविड रोगियों के लिए 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज दवा की जो पहली खेप है जारी की गई है, डीआरडीओ ने डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर इस दवा को विकसित किया है। डॉक्टर बलबीर, डीजीसीआई ने हाल ही में इस दवा के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। आपसे जानना चाहेंगे कि 2-डीजी दवा कोविड मरीजों में किस तरीके से काम करती है। ये दवा, इसको नाम हम कहते हैं चीट द चीटर, तो ये उसको चीट कर देती है। तो इसमें 2-डीऑक्सी ग्लूकोज है, जो वायरस समझता है कि ग्लूकोज है और उसके ट्रैप में आके वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता, उसका वो जो सेल को अटैक करने का प्रोसेस है, जो ह्यूमन सेल को नहीं अटैक कर पाता। तो इसका ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये इनिशियल पीरियड में काम करेगी, पहले 7 दिन में जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा है। जब वायरस ने अपना काम कर लिया, उसके बाद ये दवा काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि सीधा वायरस को अटैक करती है, ना कि जो इन्फ्लेमेशन वायरस करता है उस पर हेल्प नहीं कर पाएगी। तो ये अच्छी दवाई है, लेकिन ट्रायल्स ही प्रूव कर पाएंगे कि कितना इफेक्टिव होगी। तो हम बहुत होपफुल हैं कि कुछ इससे अच्छा मिले, क्योंकि अभी तक हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अभी दवाई कोई अभी अच्छी ऐसी नहीं मिली जो वायरस को ही किल कर पाए। हमारे पास इस समय है रेमडेसिविर, बट वो जनरली इंजेक्टेबल है और फिर लेट हो जाता है जब तक ये दवाई यूज होती है। और डॉक्टर बलबीर, जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा में आप लोगों से म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस को लेकर भी बातचीत हुई, आपसे जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए खतरनाक हो सकता है, तो क्या होता है और लोगों में किस तरीके से इससे परेशानी आती है। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन होता है, एक फंगस फफूंदी जो कहते हैं। अब फंगस जो है एक ऑपरचुनिस्ट ऑर्गेनिज्म है। ऑपरचुनिस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि जब शरीर वीक होता है तो ये अटैक करता है। एक तो तंदुरुस्त शरीर पे अटैक नहीं कर सकता, कोरोना तंदुरुस्त पे अटैक कर रहा है जी, ये तंदुरुस्त को अटैक नहीं कर सकता। तो जब शरीर वीक हो जाता है तब ये अटैक करता है। तो कोरोना पेशेंट में शरीर कैसे वीक होता है, एक तो कोरोना ने वीक किया, फिर एक स्टीरॉयड जो यूज हो रहे हैं, मैं समझता हूँ मिस यूज हो रहे हैं। मिस यूज का मतलब है कि बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, इतना नहीं होना चाहिए। और अगर पेशेंट की डायबिटीज है, वो जो कंट्रोल नहीं है, तो एक मेल्यू, एक औजार बन जाता है फंगस को अटैक करने का। तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में। फंगल इन्फेक्शन होता है नाक में, साइनसिस में, जो साइनसिस चीक बोन होते हैं, यहाँ साइनसिस होते हैं, तो यहाँ अटैक करके ये ऊपर सीधा ब्रेन में चले जाता है, आईज और ब्रेन में अटैक करता है। तो आईज जा सकती है, ब्रेन में इन्फेक्शन से डेथ हो सकती है। तो कई बार म्यूकोरमाइकोसिस कोविड से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। सो हमें स्टीरॉयड यूज बहुत ध्यान से करना। जी डॉक्टर बलबीर, इस समय ग्रामीण भारत को लेकर प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिंता व्यक्त की है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बहुत सारे ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो रूरल एरिया में हैं, उनको आप स्टेरॉयड को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे। मेरा संदेश बिल्कुल क्लियर है कि स्टीरॉयड बहुत ग्रेट ट्रीटमेंट नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं मरीज को मिलना चाहिए जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है या हॉस्पिटलाइज है। घर पे छोटे मोटे इन्फेक्शन, माइल्ड इन्फेक्शन में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो ये बहुत मिसयूज हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, इतना यूज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम स्टीरॉयड ना दें हर मरीज को, हम देखें मरीज को स्टीरॉयड देने से पहले, एटलीस्ट घर पे जो ट्रीट करते हैं मरीजों, उनको स्टीरॉयड नहीं देता है।
मैं इसमें एक और ऐड करना चाहूंगा, एक स्टीरॉयड इनहेलर है या फिर नेबुलाइजर है जो काफी इफेक्टिव है, ओरल स्टीरॉयड से बेटर है क्योंकि वो बॉडी में नहीं जाता। तो ब्यूट्रिकॉट इनहेलर है, वो दिन में दो बार हम एडवाइस करते हैं माइल्ड पेशेंट्स को, तो उससे काफी हेल्प मिल जाती है और स्टीरॉयड का काम कर लेता है। और डॉक्टर बलबीर, आपका कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड के समय और पोस्ट कोविड के समय जो दिल के मरीज हैं उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। जिसको पहले पता है कि दिल की बीमारी है उसको अब कोविड हो जाता है, उसको बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि यही पेशेंट्स की मोर्टालिटी होती है, यही पेशेंट्स आईसीयू में जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स इनको कहते हैं कोमॉर्बिडिटीज कि कोविड भी है और हार्ट डिजीज भी है, तो ऐसे मरीजों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज वो दवाइयां ना बंद करें, जो हार्ट की दवाई चल रही है वैसे ही चलेंगी, वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट को भी एक बार बात कर सकते हैं कि इस दवाई का क्या करें, तो दवाई बंद नहीं होनी चाहिए। सेकेंड है कि ब्लड थिनिंग एजेंट्स वैसे के वैसे चलेंगे क्योंकि ब्लड थिनिंग एजेंट बंद करने से हार्ट अटैक हो सकता है पेशेंट्स को जो कोविड होते हैं, तो ब्लड थिनिंग एजेंट्स बिल्कुल भी नहीं बंद करेंगे। तीसरी चीज वो वॉकिंग करते रहेंगे घर पे हैं, चाहे हर दो दो घंटे में छह छह मिनट वॉक करें ताकि पता लगे कि कैसे हैं उनके सिम्टम। अगर चेस्ट पेन होता है या सांस फूल जाता है एकदम, दे शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल। यहाँ पे आपसे डॉक्टर बलबीर समझना चाहेंगे, जो आपने 6 मिनट वॉक के बारे में बताया है, तो 6 मिनट वॉक करना है, इसके बाद आपको ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना है या कैसे जानेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में बताइए। तो 6 मिनट वॉक टेस्ट का एक पर्पज है, पता लगता है कि पेशेंट की कैपेसिटी कितनी है वॉक करने की। दूसरा, ये पेशेंट को कॉन्फिडेंस देता है कि वो आराम से वॉक कर पा रहा है। तीसरा, फिजिशियन को इंडिकेटर मिलता है कि पेशेंट की हालत कैसी है। तो हम ज्यादा एग्जर्ट नहीं कराना चाहते, हम 6 मिनट वॉक टेस्ट बोलते हैं। हम कहते हैं कि पहले आप सैचुरेशन देखो, जब आप लेटे हुए हो या बैठे हुए, 6 मिनट वॉक करने के बाद सैचुरेशन देखो। तो अगर सैचुरेशन 6 मिनट वॉक करने के बाद 90% से कम हो जाती है तो हम थोड़ा उसको कंसर्न से देखेंगे। और ऐसा देखा जा रहा है कि पोस्ट कोविड पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट या दिल का दौरा पड़ने की शिकायतें आ रही हैं, इसका क्या कारण है? कोविड इलनेस में क्या होता है कि क्लॉट्स बनते हैं, तो हमने देखा कि जब क्लॉट्स बन सकते हैं तो कई जगह बन सकते हैं, पैरों की नसों में बन सकते हैं, जो क्लॉट लंग में जाके उसकी आर्टरीज को बंद कर सकते हैं, इसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, ये भी लाइफ थ्रेटनिंग होता है। या फिर क्लॉट्स बन सकते हैं हार्ट की नसों में, हार्ट की नस में अगर क्लॉट बनेगा तो हार्ट अटैक होगा। तो ये हमने काफी पेशेंट्स में देखा कि हार्ट अटैक हुआ, लेकिन अगर उसको टाइमली मैनेज किया तो सब बच जाते हैं। तो क्या हार्ट के लिए, जैसे पोस्ट कोविड पेशेंट हैं और जो प्रोन हैं हार्ट डिजीज को लेकर, या जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है या कुछ इस तरह के जिनके अंदर इंडिकेशंस हैं, उन्हें किस तरीके की सावधानी लेनी चाहिए? कोलेस्ट्रॉल हाई है या डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, उनको अपनी दवाइयां कंटिन्यूस ले लेनी चाहिए। जब कोविड के पेशेंट को आइसोलेट होते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि बीपी एपरेटस, शुगर चेकिंग का एपरेटस सब अपने पास रखिए ताकि आप टाइम टू टाइम चेक कर पाएं, क्योंकि ग्लूकोज वेल कंट्रोल्ड होना चाहिए, बीपी बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए और खून पतला करने की और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां लगातार खानी चाहिए, ये सब हार्ट अटैक को रोकते हैं। और डॉक्टर बलबीर, जैसे कोई व्यक्ति अगर आइसोलेशन में है, कोविड पॉजिटिव है और वो डायबिटिक भी है, तो कितने दिनों के अंतराल पे उसको अपना जो शुगर टेस्ट है वो करना चाहिए? अगर डायबिटिक है और घर पे है, अगर उसको इंसुलिन मिल रहा है तो हर मील से पहले उसको चेक करना, अगर इंसुलिन नहीं मिल रहा है तो कम से कम दिन में दो बार चेक करना है, एक फास्टिंग और एक खाना खाने के बाद, चाहे लंच हो चाहे डिनर हो। ये हमें हेल्प करेगा बिकॉज वो जब डॉक्टर से वीडियो कंसल्ट करेगा तो वो उसकी शुगर की मेडिसिन एडजस्ट कर पाएगा बहुत इजीली, क्योंकि शुगर कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि कईयों को स्टीरॉयड मिल रहा होगा तो उनमें म्यूकर माइकोसिस हो सकता है अगर वो स्टीरॉयड खा रहे। डॉक्टर बलबीर, कोविशील्ड वैक्सीन की दो डोजेस के बीच जो अंतराल था वो 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया गया है, क्या कुछ आप कहेंगे हमारे लिसनर्स से? ये सिर्फ कोविशील्ड के लिए है, कोवैक्सीन के लिए नहीं है। तो कोविशील्ड के लिए ऐसा डिफरेंस क्यों किया गया? क्योंकि आर्टिकल छपे थे कि अगर ये डिले किया गया तो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बेटर होता है, तो ये माना जा रहा है कि अगर आप गैप ज्यादा रखेंगे तो यही वैक्सीन जो 70% इफेक्टिव है 90% इफेक्टिव हो जाएगी, तो इसलिए ये मेजर रीजन है कि गैप बढ़ाया गया। डॉक्टर बलबीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर दिल्ली मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSDTalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।